भाइयों और बहनों, शांति की बात भी वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। आप याद करिए, 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था? आतंकवादी भी पाकिस्तान भेजता था और फिर हमलों के बाद धमकियां भी पाकिस्तान देता था। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझकर ही रह जाती थी। क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए? क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए? क्या डर डर कर जीना ही ये हमारी नीति होनी चाहिए? क्या देश के वीर सपूतों के हाथ बांध के रखना चाहिए? हमने घर में घुसकर मारा, सही किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया, आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, पुलवामा में यहां का भी मेरा एक वीर बेटा शहीद हुआ था, इसको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपका ये चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां के हुक्मरान हो या फिर आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई आज पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी।